ये तस्वीरें हरियाणा के बहादुरगढ़ के सिद्धिपुर लोवा गांव की हैं। खुली जीप में एयरफोर्स की यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहा ये लड़का इसी गांव का निवासी है। अपनी मेहनत के दम पर सावन मान अब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया करेंगे। जैसे ही गांव में सावन के पायलट बनने की सूचना पहुंची तो ग्रामीणों ने उसके भव्य स्वागत की तैयारी की और खुली जीप में उसे पूरे गांव में घुमाया। सावन मान की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उसका बचपन का सपना साकार हो गया है। 26 जनवरी की परेड के दौरान उड़ते फाइटर एयरक्राफ्ट को देखकर वह बचपन से ही पायलट बनने का सपना देखता था। किसान परिवार के इस बेटे का साल 2017 में एनडीए में चयन हुआ और आज मेहनत के दम पर उसने मुकाम हासिल कर लिया। फ्लाइंग ऑफिसर बने सावन मान का कहना है कि उसे देखकर बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने सपने साकार करने चाहिए। यहाँ तक की यात्रा बहुत ज़्यादा आसान नहीं थी, काफ़ी मुश्किलें आई बीच में, पर मेरे गांव वालों ने, मेरे परिवार ने बहुत साथ दिया मेरा, जिसके कारण जो भी मुश्किलें आई वो सबके साथ के वजह से मैं पूरी कर पाया। मेरा जो सिलेक्शन था वो एनडीए में, वो सिलेक्शन तो हो गया था लेकिन फिजिकल वेट की वजह से मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। मेरे परिवार ने काफ़ी प्रोत्साहन किया जिसकी वजह से मेडिकल वगैरह सब क्लियर हो गया, जिससे एनडीए की ट्रेनिंग हुई। इसके बाद 3 साल के बाद फिर 1 साल मैंने एयरफोर्स अकेडमी में पर्टिकुलर एयरफोर्स की ट्रेनिंग करी, जिसके बाद मैं फाइटर पायलट बन गया हूँ। और अभी अगली मेरी पोस्टिंग कर्नाटक में होगी, जहाँ मैं अपना अगला एयरक्राफ्ट लाऊंगा। मैं सबको जो यहाँ आए, जिन्होंने प्रोत्साहन किया है, ये एक तो बहुत मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं था, मैं समझता हूँ कि जो मेरे छोटे भाई यहाँ अभी आए हैं, प्रेजेंट हैं, ये देख के अगर वो प्रोत्साहित होते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक सफल इवेंट हुआ है। अगर ये देख के अगर उनको अच्छा लगा है, अगर वो सोचते हैं कि उनके साथ भी ऐसा हो, तो मुझे लगता है अगर वो आगे मेहनत करें तो ये इवेंट एक तरह से इसलिए सक्सेसफुल हुआ है। बेटे का चयन होने पर माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। बहन भी अपने भाई की मेहनत को सराह रही है। माँ का कहना है कि उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व है और वह चाहती है कि परमात्मा सभी को ऐसी औलाद दे। देखिए उनकी खुशी वह किस तरह बयां कर रहे हैं। वहीं इस खुशी के मौके पर सावन के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ग्रामीण अपने गांव के बेटे के फ्लाइंग ऑफिसर बनने पर गर्व महसूस कर रहे हैं। जो फर्ज वो किया, लेकिन बच्चे की मेहनत ज्यादा, इस मेहनत को बस शब्दों में बयान नहीं कर। अच्छे ऑफिसर के लिए का लड़का है, बड़े होनहार परिवार से है और हम यही शिक्षा देंगे हमारे पूरे परिवार के, पूरे गांव के आप बच्चे सारे ऐसे सावन के ऐसे बने और हम उनका स्वागत करते रहे, अभी ना छोड़े और हमारे देश का प्रदेश का हमारा नाम रोशन करेंगे। तो यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि सावन कुमार की तरह हर घर में हर एक बच्चा पायलट बने, अच्छी पोस्ट पर बने, देश का नाम करे, देश के लिए। ये जी बहुत होनहार बच्चा है, ऐसा बच्चा तो किस्मत वालों को मिलता है। बहुत मेहनती है और बहुत अच्छा है। और वैसे कैसा लग रहा है वो सिलेक्ट हो गया आपके पास आए? प्राउड महसूस कर रहे हैं और सारे गांव को खुशी है और हमें भी खुशी है, भगवान ऐसा बच्चा सब दे। क्या कुछ आज उसके लिए स्पेशल खाना पीना भी होगा मैडम? हाँ जी, पूरे गाँव के लिए स्पेशल। बहादुरगढ़ का सिद्धिपुर गाँव आज अपने बहादुर बेटे पर फख्र कर रहा है। इस बेटे ने पहले भी 2017 में एनडीए में 165 कैंडिडेट्स में से दूसरा रैंक हासिल कर गांव और प्रदेश का नाम रोशन किया था। अब फ्लाइंग ऑफिसर बनने पर उसकी पोस्टिंग कर्नाटका में एयरफोर्स स्टेशन पर होने जा रही है, जिसके लिए उसे जल्द ही रिपोर्ट करनी है। झज्जर से जगदीप राजियान, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।